अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर हम ग्रुप 12 ऑफ एमकेट एंड ईकेट 2021 का जो है वो बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। याद रहे ग्रुप 11 की रजिस्ट्रेशन कुछ दिन पहले ही क्लोज़ हुई थी और इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस जो है वो जमा हो गए कि सर हमने जो है वो रजिस्ट्रेशन करानी थी, लास्ट डेट चले गई है। तो हमने जो है वो उन तमाम मैसेजेस को देखते हुए हमने जो है वो ग्रुप 12 की रजिस्ट्रेशन का जो है वो आगाज़ किया है। याद रहे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ जो है वो 20 जून 2021 है, यानी आपके पास सिर्फ 5 दिन का टाइम है। जो जो इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लें, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम है, कोर्स हमें जो है वो जल्द से जल्द क्या करना होगा, मुकम्मल करना होगा। तो इसीलिए 20 जून से पहले पहले वो स्टूडेंट जो आपके दोस्तों में से भी वो स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे उन तक भी ये मैसेज पहुंचा दें कि 20 जून से पहले पहले काइंडली रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा लें ताकि कोर्स वक्त पर जो है वो मुकम्मल हो सके। स्पेशली जो है वो इस ग्रुप में बेस्ट चांस फॉर करंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑल ओवर पाकिस्तान, सेकेंड पाकिस्तान भर से स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास लाहौर, सियालकोट, कोयटा, अलग अलग KPK यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत से बच्चों ने करवाई हुई है। तो सेकेंड ईयर के, क्योंकि हमारा टारगेट होगा कि वो स्टूडेंट जो इस वक्त सेकेंड ईयर में है और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं, तो वो इस ग्रुप में क्या उनको फ़ायदा हो जाएगा कि पहले हम सेकेंड ईयर के टॉपिक्स जो हैं वो कवर करवा देंगे ताकि उनकी इंटर के एग्ज़ाम जो है वो अफेक्टेड ना हो, वो साथ साथ कवर हो जाए, MCQ की प्रैक्टिस हो जाए। तो करंट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए जो है ये ग्रुप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जो है वो फिर सेकेंड ईयर के एग्जाम के बाद जो है वो फर्स्ट ईयर का जो रिमेनिंग पार्ट होगा, फर्स्ट ईयर के रिमेनिंग चैप्टर्स भी आपको कवर करवा दिए जाएंगे। तो अब फीस स्ट्रक्चर यहाँ देखें, बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी पूरे एमकेट बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स की बात हो रही है, अगर आप बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स एमकेट की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ आपने एक मरतबा 1000 रुपये फ़ी पे करनी है। और अगर आप कंप्लीट फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं एमकेट या ईकेट, आपको मालूम है फिजिक्स एमकेट और ईकेट दोनों में शामिल है, तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1000 रुपये फ़ी पे करनी है। इसी तरीके से कंप्लीट केमिस्ट्री के कोर्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ आपने एक मरतबा 1000 रुपये फ़ी पे करनी है। इसी तरीके से इंग्लिश जो है वो मेनली सेल्फ स्टडी पर डिपेंड कर रहा होता है, उसमें वोकैबुलरी और ये चीज़ें हैं, तो इसमें जो है वो हम आपको इतना गाइड कर देंगे कि ऑलमोस्ट आपको इंग्लिश की तैयारी आप जो है वो सेल्फ स्टडी की बेस पर कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी करवा देंगे। तो इंग्लिश आप जो है उसकी कोई फी नहीं है, फ्री रखा हुआ है। और इस साल MDKET के एग्ज़ाम में आपको मालूम है लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन भी शामिल किए हैं, वो भी फ्री में ही कवर करवा देंगे। तो आप कंप्लीट MCAT की प्रिपरेशन के लिए आपने सिर्फ एक मरतबा 3000 रुपये फ़ी जो है वो पे करनी है फॉर कंप्लीट कोर्स ऑफ MDKET। याद रहे कि कंप्लीट कोर्स के लिए आपने सिर्फ एक मरतबा जो है वो फ़ी पे करनी है, ये पर मंथ फ़ी नहीं है। फ़ी पे करने का तरीका आपके सामने है, सेंड योर फ़ी टू इजी पैसा अकाउंट आपके सामने 3 है, JS Cash अकाउंट आपके पास 3 है, ये अलीसगढ़ के नाम से अकाउंट है, अनम और खुरम के नाम से है, ये दोनों JS Cash अकाउंट है, अलीसगढ़ और अनम के नाम से है। शहर के इलाकों में रहने वाले बच्चे जो हैं उनसे गुजारिश है कि पहली कोशिश करें कि आप बैंक के थ्रू जो है वो फ़ी सबमिट करवाएं। बैंक का नाम है बैंक अल हबीब, अकाउंट नंबर आपके सामने है, अकाउंट टाइटल अलीसगढ़ के नाम से है। और जो शहर पाकिस्तान से बाहर रहकर स्पेशली सऊदी अरब की साइड से और पाकिस्तानी जो रहते हैं आउट ऑफ कंट्री, वो भी हमारे ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उनको फ़ी ट्रांसफ़र के लिए IBN नंबर की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो IBN नंबर जो है वो उनके लिए यहाँ इसी अकाउंट का जो है वो आपके सामने यहाँ मौजूद है। फ़ी ट्रांसफ़र तो शहर के इलाके वाले स्पेशली कराची और हैदराबाद वाले जो है वो बैंक के थ्रू फ़ी पे करें, क्योंकि जो इंटीरियर सिंध के जो बच्चे हैं, गांव के इलाकों में रहने वाले हैं, वो इजी पैसा और JS Cash के थ्रू जो है उनके लिए फ़ी सबमिट करवाना जो है वो थोड़ी आसान होती है, बैंक की ब्रांचेज जो होती हैं उनके लिए थोड़ी सी दूर होती है। तो फ़ी सबमिट करवाने के बाद अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक की स्लिप की तस्वीर, और अगर आप इजी पैसा और JS Cash के वो करते हैं तो उसमें फ़ी ट्रांसफ़र का एक मैसेज होता है, उसमें एक ट्रांजेक्शन ID होती है, उसकी तस्वीर या इसका स्क्रीनशॉट आपने WhatsApp ऑफिशियल नंबर पर आपने सेंड करना होगा। याद रहे 24 घंटे से लेकर 48 घंटों के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। आपने अपना नाम और अपने शहर का नाम और अपने ग्रुप का नाम जो है वो क्या कर देना है, आपने सेंड कर देना है। तो 24 से 48 घंटे आपने वेट करने होते हैं, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा होते हैं। तो 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब वो स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू है हमारे चैनल पर, तो उनको थोड़ा सा बता दें कि इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको क्या फ़ायदा होगा। सेपरेट ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का जो ग्रुप होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है।
लेक्चर विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्म। लेक्चर्स के लिंक आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। लेक्चर पहले हम रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके आपको जो है वो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, विच कैन बी व्यूड एट योर सुटेबल टाइमिंग विद इन अ वीक। लाइव लेक्चर में अक्सर क्या मसला आ रहा होता है कि भाई आपके नेटवर्क का इशू हो गया, लाइट का इशू हो गया, या किसी वजह से आपको कोई मसरूफियत हो गई, तो वो लेक्चर क्या हो गया आपका, मिस हो गया। अब उसकी वजह से बेसिक पूरी खराब हो गई और आगे आपको कई परेशानी का सामना करना होता है। तो हम जो है एक फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं कि आपको हम पहले लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपको प्रोवाइड करते हैं, और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने क्या करना होता है वो लेक्चर आप अपनी सहूलत के मुताबिक सुबह के टाइम, शाम के टाइम, अपनी सहूलत के मुताबिक आप देख सकते हैं। एवरी फ्राइडे एंड ट्यूजडे एमसीक्यू टेस्ट ऑनलाइन आपको बाकायदा टारगेट सेट करके दे दिया जाता है कि भाई इस फ्राइडे अगर जो एमसीक्यू का टेस्ट है तो उसमें किन किन टॉपिक्स का टेस्ट होगा, उनके लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और फिर आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, फिर ओवरऑल रिजल्ट बताया जाता है मेरिट की फॉर्म में कि आपने अगर 200 में से 180 नंबर लिए हैं तो आपको पता चलेगा कि कराची के, सिंध के, पंजाब से किन किन बच्चों ने कितना स्कोर किया। तो आपको एक बाकायदा एक सीक्वेंस में मेरिट का अंदाज़ा होता है कि भाई अगर आपने 180 नंबर लिए हैं 200 में से, तो आपको पता चलेगा कि पंजाब भर से कितने बच्चों ने जो है वो आपसे ज़्यादा स्कोर किया है, सिंध से कितने बच्चों ने आपसे ज़्यादा स्कोर किया, ये सारी चीज़ आपको मालूम होंगी। इसी तरीके से हर फ्राइडे और ट्यूसडे ऐसे 50-50 एमसीक्यू का टेस्ट जो होगा वो हफ्ते में दो बार होगा, ऐसे 39 टेस्ट जो होंगे वो आपके इस रजिस्ट्रेशन में शामिल हैं। स्पेशल लेक्चर ऑन पास्ट पेपर एमसीक्यू, पास्ट पेपर एमसीक्यू जो एनटीएस के हैं और स्पेशली जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हैं, स्पेशल लेक्चर्स उन पर होंगे। स्पेशल लेक्चर्स ऑन टिप्स एंड टेक्निक टू सॉल्व एमसीक्यू, बाकायदा टिप्स एंड टेक्निक आपको बताई जाएगी कि एमसीक्यू सॉल्व करने में आपने किस किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। स्पेशल लेक्चर ऑन ट्रिकी एमसीक्यू, आपको मालूम है कि 70% तो रिकॉल एमसीक्यू आने, जबकि 10-20% इस मतलब एमडीकेट में जो ट्रिकी एमसीक्यू हैं, जो मुश्किल एमसीक्यू होते हैं, उस पर स्पेशल लेक्चर्स हैं हमारे। स्पेशल लेक्चर्स ऑन रेड स्पॉट ए एंड ओ लेवल एमसीक्यू, ए और ओ लेवल के जो जो सवाल आ जिनका बोर्ड के एग्जाम में आना मुमकिन होता है, उस पर स्पेशल लेक्चर होंगे। स्पेशल लेक्चर्स ऑन सेट सीरीज एमसीक्यू, सेट सीरीज जो है पीडीएफ में भी हम बाकायदा जो है वो ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और सेट सीरीज पर भी स्पेशल लेक्चर्स होंगे। स्पेशल लेक्चर्स ऑन करियर गाइडेंस, कोई भी न्यूज़ किसी भी हवाले से जो है वो पीएमसी के हवाले से हो, एनएडी यूनिवर्सिटी के हवाले से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से जैसे ही कोई न्यूज़ आती है हम पहली फुर्सत में जो है वो हमारे चैनल पर अपलोड करते हैं। तो करियर गाइडेंस पे भी बाकायदा स्पेशल लेक्चर्स होंगे, और इसके अलावा और जो जो फीचर्स जो स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद हैं वो तमाम आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कोशिश करें जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल करें ताकि 21 जून से आपके लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ हो जाए। उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।